और देखिए इधर पिताजी मेरे अमरूद तोड़ने लगे हर्षित यशका के लिए, कह रहे हैं और इस बोरी में रख रहे हैं तोड़ तोड़ के, कह रहे हैं कि हर्षित यशका के लिए लेके जाना। उस किचन गार्डन से भी ले आए ढूंढ ढूंढ के, और इससे भी तोड़ रहे हैं। और इधर देखो चारपाई पर ढेर लगा दिया है पिताजी। पिताजी इतने ही खा पाएंगे हर्षित यशका? हाँ काफ़ी है अमरूद, बहुत हैं, पर डे इतने ही निकलते हैं, डेली इतने ही निकलते होंगे। हाँ डेली इतने अमरूद घर पे आ जाते हैं, खाते रहते हैं सारे लोग, एटा भी चले जाते हैं भतीजों के पास। और इधर माताजी खोआ के लड्डू बना रही हैं हर्षित यशका के लिए, कह रही हैं एक दिन के लिए आया तुरंत लेकर जा, बिना लेके नहीं जाएगा। ये देखो कह रही है खोआ लेके जाएगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बूरा डाल के, पिसी हुई चीनी डाल के और थोड़ा मिक्स कर दे रही है तो ख़राब नहीं होगा खोआ, और बच्चे स्वाद से खाएंगे इसको। दादी माँ का लाड़ प्यार बच्चों तक पहुँचेगा भाई। सारे लोग लगे हैं फ्रेंड्स पैकिंग पर। देखिए इधर बर्फी भी वाला दी, बर्फी दे कह रही है बर्फी भी लेके जा। ये लाड़ प्यार होता है दादी दादा का बच्चों के लिए, ले जाना पड़ेगा भाई, नहीं तो उधर बच्चे गुस्सा करेंगे और इधर बच्चों के दादा दादी। फ्रेंड्स देखिए आने की देरी नहीं हुई और निकलने का भी समय आ गया, क्योंकि आज संडे है, कल रात भर में चला ट्रेन में और आज अभी यहाँ से घर से विदा ले लेता हूँ, क्योंकि एटा से ही फिर निकल जाऊँगा और कल सोमवार को फिर क्लास मुझे अटेंड करना है, तो आने की देर नहीं हुई और विदाई भी होने लगी। बाकी माताजी ने फ़ोन से बात हो गई थी, पहले से ही पूरा सामान रेडी सेडी करके तैयार कर दिया है कि हम आएंगे और तुरंत हमें पकड़ा दिया जाएगा। पिताजी जा रहे हैं हम तो, हाँ मिस्त्री लोगों का हिसाब किताब करना है। बाबा अब जा रहे हैं फिर आएंगे। हाँ ठीक है, और सही हो तुम? खूब बढ़िया। अच्छा और बहराइच कब चलोगे हमारे पास? अच्छा हाँ हर्षित यशका बुला रहे हैं तुम्हें। अच्छा हाँ अच्छा महापूसम। अच्छा सर्दियों में जाएंगे दादाजी, तुम्हें अब हर्षित यशका कह रहे हैं बाबा को लेके आना। हाँ बाबा को दो तीन महीने रखेंगे अपने पास। हाँ तो सर्दियों में टाइम निकालना ठीक है। हाँ आराम से वहीं टहलने चला करेंगे पार्क में। अच्छा। हर्षित यशका ले जाया करेंगे पार्क में टहलाने। हाँ ठीक है तो निकल लूँ बाबा। ठीक बहुत ठीक है, निकल रहा हूँ, सामान वामान सब रख लिया मामी। ठीक है काय के लिए परेशान है, तो मैं तो आता रहता हूँ जल्दी जल्दी। चल परेशान मत हो, आते रहते हैं। बे जा रहे हैं तो मामा से तो पका के दिखाई नहीं है। और फ्रेंड्स इधर विवेक और नितिन भी आ गए। देखो ये तोता हो रहा है, तोता आते हैं और सीधे अमरूद के पेड़ पर सीधे, देखो एक हाथ में एक जेब में, और पेड़ पकड़ के हिला दिया, तमाम अमरूद नीचे गिर गए। किचन गार्डन चले जाओ वहाँ तमाम मिल जाएगी, बाबा तोड़ लाए लेकिन फिर भी मिल जाएंगे। ढूंढो देखो वो एक तोता नहीं खा ली है, वो आधी खा ली है आधी बची है, रेड रेड दिख रही होगी शायद, ये रेड रेड कलर की है फ्रेंड्स देखिए, आधा तोते ने खा लिए और आधी बची है। फ्रेंड्स देखिए हम लोग आ गए अब किचन गार्डन में, समय नहीं मिलता है, समय क्या, मैं तो एक नाइट के लिए आया हूँ, एक दिन के लिए बस। बाबा तोड़ लेगा लला हर्षित यशका के लिए रख दिए, तब भी फ्रेंड्स देखो कितनी लगी है, ये भी पकी ही है लगभग, गद्दर कहते सब लगा है, एक पेड़ ये पूरा लथपथ है गुखरू की तरह। और इस पर ये नींबू का पेड़ है फ्रेंड्स, कम से कम एक डेढ़ कुंतल नींबू इस पर आया है, सभी रिश्तेदार मोहल्ले वालों ने इसका अचार डाल लिया,
घर पे भी रखा है, मम्मी ने रख दिया यशका हर्षित के लिए। अब देखिए मेहनत कोई चीज होती है भाई। एक अमरूद का पेड़ ये है, इस पे कम है, इस पे देखो तमाम अमरूद पूरा गुखरू की तरह लदा हुआ है अमरूदों से। ये पिताजी और माताजी की मेहनत है, वो लोग इसमें लगे रहते हैं पूरा निराई गुड़ाई। एक पेड़ इधर है, ये देखो नीचे कितना छोटा छोटा, देखो कितना जड़ जड़ से पूरा लदा हुआ है। एक प्लांट्स ये है फ्रेंड्स, देखिए इस पर भी अमरूद लगे हैं, अभी छोटा है लेकिन फिर भी अमरूद की कोई कमी नहीं है। और ये बनाना का पेड़ है हमारा, देखिए बनाना लगे हुए हैं। हर चीज है, माता पिता दादाजी की मेहनत का फल हम लोगों को मिलता रहता है। ये चीकू का पेड़ है हर्षित, वो विवेक चीकू नहीं आए इस पर? अच्छा चीकू नहीं आए, लगे तो हैं। कहाँ लगे हैं? अच्छा ये फूल वगैरह दे रहा है। अरे फूल ना दे रहा, वो लगे लगे देख नहीं रहे, तोड़ लिए होंगे किसी ने, देने लगे कितने मोटे मोटे लगे। हाँ 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 ये है चीकू फ्रेंड्स, देखिए ये लगा है दे रहे ऊपर। और एक इधर, ये इधर कटहल का पेड़, अभी कटहल नहीं आ रहे ना। आम का पौधा है और इधर करेले की बेल, ये लौकी तोरई इस पेड़ पे चढ़ा रखे हैं, लौकी तोरई सारी हरी सब्जियां और फल फ्रूट्स इसमें रहते हैं। प्याज वगैरह खोद के पिताजी ने उसका निस्तारण कर लिया। आ जाया करो लला, बीच बीच में अमरूद ले जाया करो, ठीक है? आ गए अपना तोड़ ले गए, बढ़िया ताज़ा फ्रेश। नितिन का आ गया, नितिन अच्छा बाबा के साथ चला गया। तो चलते हैं फ्रेंड्स एटा, मिस्त्रियों का हिसाब किताब करके निकलते हैं तुरंत बहराइच। रात भर सफ़र करेंगे और सुबह मंडे को स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए मकान रेडी हो गया, पीओपी पुट्टी सारा कुछ हो गया, अभी अंदर आपको टूर कराता हूँ। ये देखिए लाइट्स वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं और पीओपी वाले मिस्त्री भैया ने काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाई है फ्रेंड्स, पूरा जान डाल दी है। अभी कलर नहीं हुआ है, जब कलर हो जाएगा फिर दिखाएंगे आपको। और कुछ काम बाकी भी है, चल भी रहा है, कुछ हो चुका है, लगभग कंप्लीट है, जो बचा है वो धीरे धीरे हो जाएगा। फ्रेंड्स दिखा दूँ एक झलक अपने मकान की, वॉशरूम वगैरह भी रेडी है, शावर आवर ये टोटी वोटी सब लगा रखी है। और रेंट वाले भी आ रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ा जल्दबाजी की जा रही है, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि सर जल्दी कंप्लीट करो। नीचे वाले भी बोल रहे हैं, ऊपर वाले भी, कि हमको रहना है। ऊपर भी ऐसा ही है लगभग। फ्रेंड्स देखिए दीवारें कंप्लीट हो चुकी हैं और छत पर अभी पीओपी हो चुकी है, पुट्टी नहीं हुई है। डिजाइन देखिए, ये आरती की पसंद की डिजाइनें हैं सब। बताइए आरती ने कैसी डिजाइन चूज की है। इसमें टाइल्स अभी रह गया है बाथरूम वॉशरूम में, और किचन में भी अभी टाइल्स बचा है, ओपन किचन है हमारी, और इधर जीना में बचा है। बाकी किचन के एरिया का ये डिजाइन आरती ने चूज किया था। फ्रेंड्स बताइए आरती की चूज की हुई डिजाइन है कैसी है। बाकी इस रूम में दिखाता हूँ, रूम तो कंप्लीट है और इसकी डिजाइन ये बनवाई थी आरती ने, नेट से निकाल निकाल के सर्च करके आरती ने भेजा था मिस्त्री के लिए, उन्होंने भी बखूबी उतार दिया है। कलर नहीं हुआ है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा।